हे ब्राउन पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भैया, आज कई दिन के बाद मैं एक नया व्लॉग लेकर आया हूँ। तकरीबन यूँ लगा लो 1 महीना हो गया, 1 महीने तक भी 1-2 दिन ऊपर हो गया। मेरा लास्ट व्लॉग शायद 5 या 6 तारीख ने आया था, और आज मैं एक नया व्लॉग लेकर आया हूँ। 1 महीने तक मैं किट था, मेरे क्या दिक्कत हो रही थी, के बात थी, मैं व्लॉग क्यों नहीं लेकर आया, एक्सरसाइज की वीडियो क्यों नहीं डाली, बाकी स्टडी तो रिलेटेड मैंने बताई थी कि डाल दूँगा, वो वीडियो भी नहीं आई। तो भाई, बात कुछ ऐसी थी कि शायद 2 तारीख ने, हाँ 2 तारीख ने मेरा टाइफाइड हो गया था। तो शुरुआत में टाइफाइड होया, फिर 6 तारीख ने मैंने मंदिर में जाना था, तो बुखार में मैं मंदिर में चला गया। तो टाइफाइड का था अपने, मेरा है कि कुछ सीन हो है, कितनी क्या दिक्कत हो जाए, तो बुखार में मंदिर में चला गया तो मेरी और हालत ख़राब होगी। और जो टाइफाइड था, मतलब देसी भाषा में यूँ लगा लो कि मोती जारा बिगड़ गया, यूँ कहा करे उसने, तो मेरा टाइफाइड था, उसमें दिक्कत होगी, उस तो और ज़्यादा परेशानी होगी। फिर थोड़ा थोड़ा आराम होना शुरू होया, तो कुछ दिन के बाद शायद 12 तारीख ने मेरा खसरा लिकड़ाया। तो वो तकरीबन चालिया 6 से 7 दिन थी, 18 तारीख थी वो चालिया। तो यूँ लगा लो 2 तारीख तक लेके 18 और 19 तारीख थी मेरा बुखार उतरा ही नहीं, मिली साथ में टाइफाइड भी, खसरा भी। डॉक्टर यूँ कहे आज उतर जाएगा, मेरा बुखार उतरा ही नहीं। मिली मेरे यूँ लगा लो 102 तो नीचे तो बुखार एक आधी भाई आया करता, अगर मैंने दवाई ले ली तो मेरा 102 तो नीचे बुखार आ गया ना, तो 102 तो ऊपर या 102, लूज मोशन है, उल्टी, खाया पिया तो कुछ जावे ही नहीं था, सिर्फ दलिया खिचड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं, बस यो ही था। फिर उसके बाद 19 तारीख ने भी जब बुखार ना उतरा, तो मैं पहले गया था, यह चीज़ तो पता ही नहीं, मैं पहले गया एक डॉक्टर द्वारा, फिर गया मैं दूसरे डॉक्टर द्वारा, तो जो पहले डॉक्टर था उसकी दवाइयाँ तो आराम नहीं लग गया, फिर मैं गया दूसरे डॉक्टर द्वारा, तो उसकी दवाइयाँ तो भी आराम नहीं लग गया। फिर मैं गया, मतलब कि मैंने 1 तारीख तो ले गए, 4 तारीख थी तो एक डॉक्टर की दवाई खाई, और फिर 4 तारीख तो ले गए, 17-18 तारीख थी एक डॉक्टर की दवाई खाई, लेकिन वैसे तो कुछ आराम नहीं लग गया। फिर फाइनली मैं गया एक और डॉक्टर द्वारा जींद जुलाना, उस डॉक्टर ने दी मेरे तो दवाई, तो उसने फिर टेस्ट वेस्ट कराए अलग ते, सारे दोबारे ते टेस्ट कराए, जो भी था सारी चीज़ उसने दोबारा कराई। मतलब कि शुरुआत में मेरे मोती जरा तो था ही, फिर मैंने उसने बताई खसरा भी है, सारी चीज़ के टेस्ट उन्हें दोबारा कराए, फिर मेरे चेस्ट में इन्फेक्शन पाया, लीवर में इन्फेक्शन पाया और यूरिन में इन्फेक्शन पाया, फिर इन तीनों चीज़ों का, टाइफाइड हो गया, खसरा हो गया, चेस्ट में इन्फेक्शन हो गया, लीवर में इन्फेक्शन हो गया और यूरिन में इन्फेक्शन हो गया, मतलब 5 चीज़ इकट्ठी चल रही थी मेरी। तो फिर उसने बोला कि भाई चेस्ट में इन्फेक्शन ज़्यादा हो रहा है तो एक्सरे कराओ, तो फिर मैंने एक्सरे करवाया, तो एक्सरे करवाए पीछे, तो एक्सरे में तो नॉर्मल आया, भगवान की दया है, बाजी दान, बट जो बुखार था, मतलब वो 2 तारीख तक लेके मेरा बुखार उतरा था, 2 तारीख के बाद उतरा था, 23 तारीख ने, मतलब 23 तारीख ने मेरा थोड़ा थोड़ा ठीक, हाँ मैंने महसूस होने लग गया था कि हाँ भाई बुखार उतर गया मेरा, मैंने एनर्जी से महसूस होने लगी थी बुखार के उस तक, तो 23 तारीख तक बुखार रहा। मतलब जो जिस डॉक्टर द्वारा तो मैं लास्ट में दवाई लेकर आया था ना, उसने तो मेरे को कह देते कि मम्मी ये आम भी रह रही है, आम भी रह रही है, ठीक। तो भाई जो लास्ट वाला डॉक्टर था जी ने मैं ठीक करा था, मतलब जब उसने टेस्ट करवाए, जब उसने यूँ कही मेरे थे कि अगर तेरा 23 दिन बुखार रह गया कंटिन्यूस तो तू इतनी एडमिट हो जाना था,
मैं एडमिट तो ना, मेरा इसे एडमिट होने वाले दिक्कत हो जाए तो नहीं, मैंने तो कुछ या बात नहीं था लाई इतनी चीज़ और मैंने ला लो, पाँच पाँच चीज़ें एक साथ इकट्ठी हो गई थी। तो उसने फिर कही कि भाई पहले तो देवांगे इसकी जो बुखार बन रहा है इसकी दवाई, पहले उसने उसकी और टाइफाइड की साथ में दी, फिर पहले तो उसने मतलब अंग्रेजी दवाई दी, फिर उसने दी इन्फेक्शन की और इसकी देसी दवाई 5 दिन की। तो यूँ लगा लो मेरा 2 तारीख ने मैंने वेट करा था, उस टाइम पता मेरा 77.5 किलो, मतलब 77 ही सा किलो बस था। और जब मैंने 25 तारीख ने, हाँ 25 तारीख ने मैं जब डॉक्टर के गया तो उस टाइम पे मेरा वेट आ गया था तकरीबन 66 किलो। हाँ 67 ते भी थोड़ा बहुत नीचे ही था, कपड़े वर पड़े पहन रहा था तो यूँ लगा लो 67 ते भी नीचे ही था। तो 66 किलो मतलब मेरा 1 महीने के भीतर 10 किलो बोझ टूट गया, मतलब देख लो कुछ नहीं रह रहा, ख़त्म ना इसमें। मतलब टाइफाइड में वीकनेस तो नॉर्मल सी बात है, वीकनेस बहुत घनी आ जाए क्योंकि अपना खाना है वो बंद हो जाए, सिर्फ 2 ही चीज़ खा सका, एक तो दलिया एक खिचड़ी, ना पकना फैट का दूध पी सकते, ना घी खा सकते, ना कुछ और खा सकते, रोटी तो क्लियर कट बंद हो जाए, हमें तो फिर भी खा लिया तय कर दी, तो वीकनेस आ गई। बट 1 महीने के बाद थोड़ी थोड़ी रिकवरी होनी शुरू हुई, फिर थोड़ा थोड़ा आराम सा लगना शुरू हुआ, दवाई चाली, फिर मेरी दवाई भी ईब पिछली 5 तारीख ने ख़त्म हुई है, भूख लगने की तो ईब भी चल रही है क्योंकि भूख कम लग गया है, नेचुरल सी बात है, इतने दिन आप खाना बंद कर दें तो भूख लगनी ऑटोमेटिक बंद हो जाए। तो यो था भाई कि मैं 1 महीने तक व्लॉग ना बना पाया और मेरी कोई वीडियो नहीं आई क्योंकि हिम्मत थी ना, यूँ लगा लो सारा दिन मैं पढ़ाई रहा करता, मैं सबसे मेन चीज़ मैं नहाया था 24-25 दिन में, पूरे 25 दिन में जाकर मैं नहाया था, मतलब तो 1 तारीख ने नहाया था, मैं 1 तारीख के बाद सीधा 26 तारीख ने नहाया था। और मेरे बाल थे ना, बाल तो मेरे ऐसे हो गए जो कर सूखी घास नहीं पटा करे, यूँ हाथ लगावा और सूखी घास यूँ पट पट आवे, मैं यूँ टच करता मेरे बाल ना हाथ में, इतने बाल आते बेहद बोली घना को सूता काम हो रहा था, मैं सब तो फालतू टेंशन तो मेरे बाल की हो रही थी, मैं जब ती टाई बैठती होगा जब ती तुम्हें मनवाना गंदा आ जाएगा, तो फिर भाई मजबूरी में ये भी कटवाने पड़े क्योंकि लेंथ घनी थी, अगर मैं उतने रखूँगा तो ये सारे ख़त्म हो जाए, तो दोबारा ये सारी चीज़ दोबारा तो शुरू हुई है। ये मेरा कुछ 1-2 किलो वेट बढ़ गया है, कुछ दिन पहले मैंने चेक कराया था मेरा 70 के करीब हो रहा है, तो भाई दोबारा डाइट शुरू करी है, दोबारा ये एक्सरसाइज तो लेकर भी बंद है क्योंकि बॉडी में शरीर बाहर तो ठीक दिख रहा पर टाइफाइड में अंदर तो वीकनेस बहुत गनिया जा रहा है, जो अपना ऑर्गन होना है मेनली, जो अपना लीवर हो गया, वही यो था। ईब जो है थोड़ी थोड़ी बॉडी ट्रैक पाई है, थोड़ा थोड़ा रिकवरी करनी शुरू करी है, एक दस दिन के बाद या थोड़ा सा शायद 1 वीक के बाद एक्सरसाइज करनी शुरू करांगे, जो अपनी डाइट अब प्रॉपर डाइट लेनी शुरू करांगे, ये तो सिर्फ रोटी और दूध चाल रहा है इस तरह और तो कुछ है को नहीं, तो ये बात तो मुलाकात होती रहेगी, ये बॉडी भी ठीक है माइंड भी ठीक है सारी चीज़ ओके हैं बस। और हाँ सब तो मेन चीज़ है, मैं अपनी यूँ लगा लो 1 महीने में और जब मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाएगा तकरीबन 1 महीने में और मैं अपनी ट्रांसफॉर्मेशन सीरीज शुरू करूँगा, तो वह देखने थी आप जुड़े रही हो, मतलब क्यों लगा लो तो मैं 70 kg वेट पर हूँ, तो मैंने जाना है 85 थी, और पढ़ाई भी करनी है सब तो मेन चीज़ है फिलहाल, पढ़ाई वेट भी बढ़ाना है, सारी चीज़ धीरे 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 ट्रैक पर लेकर आवाएंगे। ईब मिलते हैं आप तक अगले व्लॉग में, तब तक के लिए मौज करो रोज़ करो, और वीडियो ने लाइक करके जाओ, शेयर करके जाओ, सब्सक्राइब करके जाओ।